सामने केदार घाटी की सड़कों पे खूब चहल पहल बनी हुई है। फूफू का है हमारे गांव में कुछ जरूरी सा काम। चारों ओर देखिए आजकल खूब सारी हरियाली छाई है यहाँ भी। अभी करवा देते हैं जो भी काम करवाने हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि सियार की शादी हो रही है, पक्षियों के लिए पानी पीने और नहाने के लिए बहुत आसानी होगी ऐसे में। मेगा आलोक भाई कहाँ रहते हैं? जी यहाँ रहते हैं ऊपर। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, सनराइज भी हो चुका है और सामने चौकम्मा पर्वत भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है आज। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार हुआ नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी सुबह सुबह माँ पापा की तैयारी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की, वहाँ के काम तो बड़े जरूरी रहते हैं। बाकी आज घर पे मेहमान भी आ रहे हैं तो फिर यहीं पे रुकना पड़ेगा हमें लंच करने के लिए। डिब्बे का पानी चेंज कर देते हैं क्योंकि इसमें सीमेंट सीमेंट सा हो गया है। आजकल पहाड़ों में डेली शाम को मौसम खराब हो रहा है, जिस वजह से पहाड़ों के नजारे बड़े सुंदर से हो गए हैं कुछ दिनों से और चारों ओर की धुंध पूरी तरीके से गायब होने लगी है और हरियाली धीरे धीरे ऊपर ऊपर चोटियों तक बढ़ने लगी है। चलो जी, घर पे भी काम लगातार जारी है प्लास्टर का। बाकी यहाँ पे मसाला भी बना दिया है, मिस्त्री लोग भी पहुंच चुके हैं। आधा प्लास्टर तो दीवारों पे कम्प्लीट हो गया फ्रंट से और इन पे निशान लगा रखे हैं। यहाँ पूरी टाइलिंग वगैरह करेंगे बाद में और आगे डिजाइन पे लगातार काम जारी है। अभी तो इस पर बाहर से भी प्लास्टर होना है, फिर उस पर डीप बननी है। बाकी अब आज शायद लाइट वाले भी आ सकते हैं, छोटा मोटा कुछ काम है वो पूरा करवाना है। और प्रीति भी घर पे ही है, मस्त में से पढ़ाई कर रही। एक बार पूरे कंक्रीट के स्ट्रक्चर पे अच्छे से तराई वगैरह कर देते हैं जो कि बहुत जरूरी है कुछ समय तक। तभी पूरे स्ट्रक्चर की अच्छे से तराई भी हो गई है और ऊपर छत में भी पाइप डाल दिया है पानी भरने के लिए, वहाँ भी क्यारी बनाई हुई है। जब तक सेटिंग नहीं खोली तब तक तराई करते रहेंगे उसमें। बाकी अब यहाँ से देखिए आसपास का माहौल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आजकल पहाड़ क्लियर हो गए हैं और मनसुरा मार्केट और गाँव दूर दूर तक दिखाई देता है यहाँ से। और ऊपर है अपना गाँव गिरिया और चारों ओर देखिए आजकल खूब सारी हरियाली छाई है यहाँ भी। पर एक चीज है, गाँव के ऊपर खूब सारे हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे हैं। शायद ये वाला रूट श्री बद्रीनाथ धाम टू केदारनाथ धाम वाला है। छत में पानी की खाल बनी हुई है तो पक्षियों के लिए पानी पीने और नहाने के लिए बहुत आसानी होगी ऐसे में। अभी तो बस फ्रंट पे प्लास्टर हो रहा है, बैक साइड और इधर साइड की पूरी वॉल अभी बची हुई है। बाकी बस यहाँ पे इतनी ही बजरी बची हुई है, देखते हैं कितनी हो पाती है प्लास्टर के लिए। गिट्टियां हमने इकट्ठा तो करके रखी थी, अभी कट्टे पे भर के भी रखनी है और आसपास से खूब सारी घास होने लगी है तो इससे गिट्टियां खराब भी हो सकती है। और इस सारे काम हमें जल्दी से जल्दी करने होंगे। अगर मानसून लग गया फिर उसके बाद तो चारों ओर सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां हो जाती है तो फिर जो भी सामान रखा है वो खराब भी हो सकता है ऐसे में। खैर तब तक की सारी बजरी तो प्लास्टर पे लग जाएगी और बजरी में से ना बहुत सारा कचरा, जैसे कि लकड़ी के टुकड़े देखे इतने लंबे लंबे से, अगर ये कंक्रीट में कहीं पे पड़ गए तो पूरा लीकेज कर सकते हैं। और ये बारीक बारीक लकड़ियां तो बहुत सारी हैं, क्या ही बोलें। और सेम ऐसा ही हाल गिट्टी का भी था, उसमें भी सेम ऐसी लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। तो चलिए जी, घर पे आई हैं पूपू और बड़ी पूपू। तो पूपू का है हमारे गांव में कुछ जरूरी सा काम, अब वो काम अगर पूरा होता है तो अच्छी बात है भाई। तो उसी काम के लिए आज यहाँ पे आए हैं गुप्तकाशी से सीधे। गुप्तकाशी विश्वनाथ मंदिर में खूब सारे श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने के लिए। और जब हम छोटे छोटे थे ना, उस समय हम पूपू के घर पे जाते थे तो हम डेली वहाँ पे जाके पानी ले आते थे। वैसे गर्मी के माहौल में ठंडा ठंडा जूस मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। बाकी दिन बढ़ते बढ़ते आसपास से खूब सारे से बादल आने लगे हैं, काले काले बादल, शाम तक बारिश भी ले आ सकते हैं। और चौकम्बा पर्वत तो पूरा ढकी गया बादलों के पीछे। अब दिन के टाइम पे मिस्त्री लगे हैं काम पे, बाकी सभी आए हैं यहाँ पे काम देखने के लिए कि कैसा हो रहा है क्या हो रहा है। बाकी मिस्त्री लगे हैं ऊपर डिजाइन वगैरह पे, धार बनाने पे। दिन के अभी 12:30 हो रहे हैं और मुझे मार्केट में कुछ काम पड़ गया है तो फटाफट से चलते हैं अभी। अब ये है मनसुरा मार्केट जो कि बिल्कुल सुनसान सा है आजकल, क्योंकि सभी लोग हैं यात्रा वाले रूट पे तो यहाँ माहौल ऐसे ही रहता है। और साथ ही आजकल यहाँ से सवारी वाली गाड़ी मिलना भी जरा मुश्किल से रहता है। तो अपने मामा जी की कॉल आई कि गाड़ी नहीं मिल रही है, तो फिर मैंने कहा मैं ही आ जाता हूँ आपको मंगोली गाँव तक छोड़ने के लिए।
चलो जी पहुंच चुके हैं मंगोली चारी के पास में। अरे रोड जा मामा, तो यहाँ से नीचे का रास्ता है मेरे ननिहाल मंगोली गांव के लिए, और यहाँ तो हम बहुत आया करते थे छुट्टियों में पहले। इस वाले रूट पे तो आजकल बिल्कुल सुनसान सा माहौल रहता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत सामने केदार घाटी की सड़कों पे खूब चहल पहल बनी हुई है, खूब सारी यात्रियों की गाड़ियाँ, और वहाँ तो गाड़ियाँ मिलती रहती हैं। बाकी आगे बढ़ते ही ठीक नीचे पे दिखाई दे रहा है निवासिनी संगम, केदार घाटी की मंदाकिनी और मधुमेश्वर घाटी की मधुगंगा का संगम। वीडियो बनने लगी रोन से। अब जैसे घर में पहुंचा तो यहाँ पे इन्होंने तो लंच कर दिया है, अब मुझे ही लंच करना पड़ेगा अकेले ही। माँ ने नहीं किया, माँ रुक रही है आपके लिए। आज तो 2 बजने वाले हैं, मिस्त्री अभी तक काम पे लगे हुए हैं, शायद लंच के लिए नहीं गए अभी। आज तो काम पूरा करके जाएंगे बोले यहाँ से बोले। मतलब कि ये लोग लंच तब करेंगे जब पूरे डिजाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी थोड़ी देर में शायद बिजली फिटिंग वाले भी आएंगे, तो उनको भी काम दिखाना है और अपने हिसाब से भी कराना है। ऊपर तो बिजली फिटिंग हो ही गई है लगभग, वहाँ MCB बॉक्स लगाना है, तो सोच रहा हूँ कि नीचे का MCB बॉक्स भी चेंज कर लिया जाए, और यहाँ पे फ्रंट पे ये मिरर लगा है इसके ऊपर से एक बल्ब रखा जाए यहाँ पे, क्योंकि बाद में अगर यहाँ पे टाइल लगेगी तो फिर कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा बिजली के काम का, तो अभी करवा देते हैं जो भी काम करवाने हैं। देखते देखते चारों ओर से मौसम खराब होने लगा है, तेज थंडरिंग हो रही है, बारिश भी शुरू हो गई है, ऐसे में कहीं धूप भी लगी है, तो ऐसे में इंद्रधनुष भी दिखाई दे सकता है हमें थोड़ी देर में। अब धूप भी लग रही है और बारिश भी हो रही है, ऐसे में हमारे यहाँ बोलते हैं कि सियार की शादी हो रही है। पता नहीं ऐसे क्यों बोलते थे पुराने जमाने के लोग, शायद कुछ होता होगा ऐसे में भी। तो अभी शाम के टाइम पे पुपू लोगों को जाना है गांव में, तो आज गांव में जा रहे हैं गाय देखने के लिए। अब यहाँ घर पे बिजली के काम में भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ रहे हैं, पुरानी जो दीवारें हैं ना उनको भी तोड़ फोड़ करके नया सा करना पड़ेगा। अभी एक अर्थिंग का तार लगाने के लिए यहाँ पे इतनी बड़ी झीरी काटनी पड़ी, और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी लगाना पड़ा। बाकी यहाँ मिरर के पास में भी पूरी झीरी काट दी है ऊपर, और ये वाला करा है यहाँ पे एक बल्ब देने के लिए, जिससे कि यहाँ पे मिरर में देखने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी प्रीति को एक प्रोजेक्ट बनाना है, अखबार के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको पानी में भिगो के उसके एक बॉल बनानी है। ये अभी का है, मतलब टीचरों को भी सोचना चाहिए था, बच्चा सच्ची बना पाएगा, मर्करी हो गया, ग्लोब हो गया। भाई से मिलेंगे जरूर यार, रास्ते में आता है बढ़िया। तो मैंने रास्ते में पूछा, मैं कहा आलोक भाई कहाँ रहते हैं, कह रहे जी यहाँ रहते हैं ऊपर चढ़ के, वो आपके वीडियो में मंसूरा मार्केट दिखती है, वहीं रोक ली हमने गाड़ी। अब शाम के टाइम पे प्रीति को यहाँ पे काम मिला है घास निकालने का, तो यहाँ पे बोरी में भर रहे हैं घास, स्कूटी से जाएगा कल घर है। यहाँ देखिए भाई, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। तो अभी हमने अखबार को डाल दिया है मिट्टी में, ऐसा बारी करना है हमको अखबार। चले जी, रात के 8 बज चुके हैं और अब जाके हमारे सारे काम पूरे हो गए हैं। प्रीति अभी तक लगी हुई है यहाँ पे गोला बनाने पे, मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। फाइनली गोला बनी गया है, गोला बनी गया हमें इस... इसको देख के डर रही प्रीति, मेरे हाथ में आ गया गोला बनाने के बाद प्रीति ने तवे पे रख दिया उसको, बुद्ध गौरव घूम रही है।